हेलो एवरीवन आज हम आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के एक फ़ंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है सुंदरम स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आज हम आपको इस फंड की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूँ इस चैनल पर हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो so, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी अपस्टॉक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कुछ अदर कंपनीज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में सो so फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं यह है एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि सुंदरम म्यूचुअल फंड ए कंपनी की है इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी 50 टी है एक्सपेंस रेशो 0.86 परसेंट है कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है एग्जिट लोड वन एग्जिट लोड वन परसेंट है अगर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट एक साल से पहले निकालते हैं तो इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर के लिए तो इस फंड ने लास्ट वन ईयर में माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज टू पॉइंट टू टू परसेंट है लास्ट थ्री ईयर्स में 25.62 परसेंट के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 30.89 परसेंट है लास्ट फाइव ईयर्स में 8.51 परसेंट के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 14.01 परसेंट है और जब से ये फ़ंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 16.80 परसेंट के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज ट्वेंटी है सो so, आप देख सकते हैं कि इस फंड ने एक बार भी अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हालांकि जो रिटर्न हैं जब से ये फ़ंड स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं सिक्सटीन पॉइंट एट जीरो के और जो भी फंड फिफ्टीन परसेंट प्लस रिटर्न देता है वो काफ़ी अच्छी रिटर्नस माने जाते हैं इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने टेन थाउजेंड रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ होती थ्री ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज़ होती फाइव ईयर्स पहले अगर आपने टेन थाउजेंड रुपीज़ ऐसा लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी फाइव रुपीज़ होती और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पर अगर आपने टेन थाउजेंड रुपीज़ ऐसा लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स रुपीज़ होती एस आई की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने वन थाउजेंड रुपीज़ की एस आई स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू ट्वेल्व थाउज़ेंड फोर हंड्रेड एंड एट रुपीज़ होती थ्री इयर्स पहले अगर आपने वन थाउजेंड की एस आई स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू फिफ्टी फाइव थाउज़ेंड फिफ्टी सिक्स रुपीज़ होती और आज से पाँच साल पहले अगर आपने वन थाउजेंड की एस आई स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 98,305 रुपीस होती पोर्टफोलियो इस फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी होल्डिंग 94.48 परसेंट की है जबकि अदर्स में 5.52 परसेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 7.24 परसेंट मिड कैप में 6.62 परसेंट और स्मॉल कैप में 56.06 परसेंट की इन्वेस्टमेंट है जैसे कि स्मॉल कैप फंड है तो मेजर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही है इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक सेवेंटी फाइव हैं टॉप टेन होल्डिंग्स इस फंड के टॉप टेन होल्डिंग्स में के टेक्नोलॉजी लिमिटेड में थ्री की इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्रीज लिमिटेड में टू की अशोक लीलैंड में 2.54 परसेंट की कैनरा बैंक में 2.21 परसेंट की आईसीआईसी बैंक में टू पॉइंट जीरो हैोहित सी कस आरिया जी जो आज करीब थर्टी टू स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एम करीब सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव करोड़ का एम मैनेज करते हैं दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर रतीश वेरियर जी जो आज करीब पंद्रह स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स करोड़ का मैनेज करते हैं सो दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस है और सो दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस है और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि फंड्स का रिटर्न कैसे होंगे रिस्क रेशो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए इस फंड का रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.81 है जबकि कैटेगरी एवरेज 19.65 है स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्डियशन यह बता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी एवरेज से हाई है सो तो रिस्क ज्यादा है इस फंड में बीटा वैल्यू इस फंड की जीरो है जबकि कैटेगरी एवरेज भी जीरो है और बीटा वैल्यू भी यह बताती है कि कोई भी फंड कितना हाई वॉलेटाइल है और इस फंड की जो बीटा वैल्यू है वो एवरेज है जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास है सो बहुत हाई नहीं है और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू एक से ऊपर होती है वो काफ़ी हाई रिस्क माना जाता है शार्प रेशो इस फंड का जीरो पॉइंट नाइन है जबकि कैटेगरी एवरेज वन पॉइंट ज़ीरो वन है शार्प रेशो यह बताते हैं कि कोई भी रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न देता है और यह वैल्यू ज़्यादा होती है तो अच्छी मानी जाती है अल्फा इस फंड का 4.57 है जबकि कैटेगरी एवरेज 5.99 है अल्फा वैल्यू भी यह बताते हैं कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है और इस फंड की अल्फ़ा वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग पोजिशन पर नहीं है क्योंकि इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं किया है सो so ये था एक रिव्यू सुंदरम स्मॉल कैप के बारे में कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन से फ़ंड में इन्वेस्टेड हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग